हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं लीगल अड्डा चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए अपडेट है पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से, तो बने रहे इस वीडियो में मेरे साथ। दोस्तों, पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से 1152 वैकेंसियों के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आई है, जिसकी एडवर्टीजमेंट डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2021 इसका एडवर्टीजमेंट नंबर है। इस नोटिफिकेशन में दोस्तों कुल 1152 पोस्ट आई हैं, जिसमें कि पटवारी, रेवेन्यू, जिलेदार और इरिगेशन बुकिंग क्लर्क पटवारी की जो है वैकेंसी आई है। दोस्तों, यहाँ पटवारी रेवेन्यू की कुल 1090 वैकेंसी हैं, जिलेदार की 36 वैकेंसियां हैं और इरिगेशन बुकिंग क्लर्क पटवारी की जो है कुल यहाँ पे 26 वैकेंसियां हैं। उसके अलावा इन सभी 1152 वैकेंसियों को जो है अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग पोस्ट वाइज बांटा हुआ है, और उन सभी वैकेंसी की डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि किस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए कितनी सीट्स जो है रिजर्व रखी गई हैं, किस पोस्ट के लिए, तो सारी डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख सकते हो। दोस्तों, इन सभी पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन लिंक जो है शुरू हो चुका है 14 जनवरी 2021 से, और आप 11 फरवरी 2021 तक इन सभी पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे स्केल की। तो जो पटवारी रेवेन्यू की पोस्ट है, उसका जो बेसिक पे रहेगा वो 19,900 रुपये रहेगा, और इस पोस्ट पे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको 1 साल के लिए यहाँ पे पटवार स्कूल में ट्रेनिंग दी जाएगी, और 6 महीने की यहाँ पे आपको फील्ड ट्रेनिंग दी जाएगी, और ट्रेनिंग के दौरान जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको 5,000 रुपये महीने का स्टाइपेंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड दिया जाएगा। इरिगेशन बुकिंग क्लर्क पटवारी के लिए जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनका जो बेसिक पे रहेगा वो 19,900 रुपये रहेगा। यहाँ जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको 3 महीने के लिए कनाल पटवारी की जो ट्रेनिंग दी जाएगी, और साथ ही इसमें उनको जो है पटवार एग्जामिनेशन क्लियर करना होगा, तभी उनका यहाँ पे फाइनली सिलेक्शन किया जाएगा आफ्टर द ट्रेनिंग। जिलेदार की पोस्ट पे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनका जो बेसिक पे रहेगा वो 35,400 रुपये रहेगा, और यहाँ पे भी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको 3 महीने के लिए कनाल पटवारी की ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा, और सक्सेसफुली ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद ही कैंडिडेट का जो है इस पोस्ट के लिए सिलेक्शन किया जाएगा। अब दोस्तों, बात आती है यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो जो पटवारी रेवेन्यू है और इरिगेशन बुकिंग क्लर्क यानी जो पटवारी है, उन दोनों ही पोस्ट के लिए कोई भी कैंडिडेट जिसने ग्रेजुएशन कर रखी हो चाहे किसी भी डिसिप्लिन से, तो वो कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही इसमें कैंडिडेट के पास 120 घंटों का जो है पर्सनल कंप्यूटर या आईटी से रिलेटेड कोई भी सर्टिफिकेट हो या कोई वर्क एक्सपीरियंस हो तो ही वो कैंडिडेट इन पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे, या फिर कैंडिडेट के पास जो है ओ लेवल का कंप्यूटर एप्लीकेशन सर्टिफिकेट हो तो भी वो सभी कैंडिडेट इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो तीसरा क्राइटेरिया इन्होंने सेट किया है उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट ने 10वीं क्लास में जो है पंजाबी एज ए सब्जेक्ट पढ़ा हो तो ही आप इन सभी पोस्ट को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो, और जिलेदार की दोनों ही कैटेगरी की पोस्ट के लिए कैंडिडेट ने कम से कम यहाँ ग्रेजुएशन कर रखी हो सेकेंड डिविजन से किसी भी डिसिप्लिन में, तो आप जिलेदार की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों, इन्होंने इस नोटिफिकेशन में कैटेगरी कोड डाला हुआ है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, उस पर्टिकुलर कैटेगरी को एक यहाँ पे कोड से रेफर किया हुआ है। इन्हीं कोड्स के अकॉर्डिंग जो है आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करते वक्त इस कोड को जो है सबमिट करोगे अपनी रेलिवेंट कैटेगरी के बॉक्स में, तभी जो है आपका जो है फॉर्म फाइनली सबमिट किया जाएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे एज लिमिट की। एज जो इसमें कंसिडर की जाएगी वो 1 जनवरी 2021 के अकॉर्डिंग चेक की जाएगी। इसमें सभी कैंडिडेट 21 से 37 साल के जो हैं एलिजिबल हैं। उसके अलावा जो है अपर एज में कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग एससी कैटेगरी के कैंडिडेट की जो अपर एज लिमिट सेट की गई है वो 42 साल की गई है। अगर कोई विडो या डिवोर्सी है तो उसके लिए अपर एज लिमिट 40 साल रखी गई है, और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के जो है अपर एज लिमिट में 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि जो उनकी अपर एज लिमिट रहेगी वो यहाँ 47 साल तक कंसिडर की जाएगी। अब दोस्तों, यहाँ बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो जो इन फॉर्म्स के लिए एप्लीकेशन फीस रखी गई है, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए वो 1,000 रुपये रखी गई है, एससी और बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए फीस जो रखी गई है वो 250 रुपये रखी गई है, एक्स सर्विसमैन और डिपेंडेंट्स के लिए जो फीस रखी गई है वो 200 रुपये रखी गई है, और फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी
कैंडिडेट्स के लिए जो फीस रखी गई है वो 500 रुपए रखी गई है। अब दोस्तों इसमें बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। पहले आपका जो है प्री एग्जाम लिया जाएगा। प्री में जो क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स होंगे, जो प्री क्वालिफाई कर पाएंगे, उन सभी कैंडिडेट्स को जो है वैकेंसीज का 10 टाइम नंबर्स यहाँ पे मेंस के लिए बुलाया जाएगा और मेंस की मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग ही इसमें जो है फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट का किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ये सभी पोस्ट के लिए जो है सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट की जाएंगी, ऑफलाइन मोड से या बाकी किसी अदर मोड से एप्लीकेशन को जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो सभी कैंडिडेट जो हैं इन पोस्ट को अप्लाई करने से पहले इन सभी पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स जो हैं ऑनलाइन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर जो है अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली ही आप इन सभी पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करें और ऐसे ही जॉब रिलेटेड अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।